हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नारियल का लड्डू जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो गया और लग रहा है ना बहुत बिल्कुल मार्केट जैसा, और मार्केट से भी अच्छा और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो इसे मैंने किस तरीके से बनाया है आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो देखिए बड़े बड़े नारियल लिए हैं और बिल्कुल ताज़े नारियल से मैं ये लड्डू बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस नारियल का जो है ये आगे का जो मूंछ है ना उसको हटा लेते हैं। तो इसको हटाने का भी बिल्कुल आसान तरीका है और ये बिल्कुल आसानी से हट जाता है। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। ताज़े नारियल के जगह पे आप जो है नारियल का बुरादा जो मार्केट में आता है ना उसको भी आप ले सकते हैं, लेकिन ताज़े नारियल का जो है टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो देखिए नारियल को हमने इस तरह से छिलका उसका हटा लिया है। अभी इसका पानी निकालते हैं। पानी भी इसका आसानी से निकल जाता है, ये देख सकते हैं इसमें तीन छेद आपको दिख रहा है। उसमें से इसका एक छेद जो होता है वो बिल्कुल बिक होता है, जिसको आप आसानी से फोड़ सकते हैं और इसका पानी इस तरह से छेद करके आराम से निकाल सकते हैं। तो ये जो है इसका बिग पार्ट है और दो इसमें जैसे तीन छेद है ना, तो इसमें दो आँख होता है और एक मुंह होता है। तो मुंह वाला जो पार्ट होता है वो बिल्कुल बिग होता है। तो इसको इस तरह से छेद कर दीजिए और इसका सारा पानी जो है वो निकाल लीजिए। ऐसे पत्थर वत्थर पे फोड़ने पे वो पानी वेस्ट हो जाता है और ये पानी में काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो अभी मैं इसको साइड कर देती हूँ और इसको बाद में मैं पी लूँगी या फिर बच्चों को पिला दूँगी। और अभी देखिए नारियल जो है मेरा हो गया है और इस तरह से नारियल को फोड़ने का भी बिल्कुल आसान तरीका है। इसके बिग पार्ट पे बार कीजिए या नारियल बिल्कुल आराम से फूट जाता है। इस तरह से देखिए बिल्कुल पटकने की कहीं पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए नारियल मेरा फूट गया है आराम से। अब इसको इसके छिलके से अलग कर देते हैं। छिलका से अलग आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर आप फ्रिज में थोड़ी देर रख दीजिए तो भी आराम से अलग हो जाता है, या फिर इसको थोड़ी देर धूप में रख दीजिएगा तो भी ये छिलका अपना आराम से छोड़ देता है। तो अभी मैं इसको मुझे जल्दी जल्दी करना है तो मैं इसका छिलका मतलब हटा ली हूँ इस तरह से, और इसका जो पीछे वाला पार्ट है ना उसको भी इस तरह से हम लोगों को छील लेना है। आप छिलनी से भी छील सकते हैं, छिलने से बिल्कुल आराम से छिला जाता है, और चाकू से या पिदाई जो भी है उससे भी आप छील सकते हैं। मैंने छील कर अच्छे से इसको धो लिया था क्योंकि थोड़ा सा गंदा हो गया था, और इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया। देख रहे हैं कितना सुंदर जो है देखने में लग रहा है। तो अच्छे से मैंने इसे धो लिया था, साफ़ हो गया है। अभी इसको मैं पीसने वाली हूँ। तो इस तरह से मिक्सर जार में डालकर मैंने इसे दरदरा पीस लिया है, बारीक नहीं पीसा है। दो बार करके मैंने इसे थोड़ा थोड़ा डाल के पीस लिया है क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा था। और ये देखिए मेरा जो है तैयार हो गया है नारियल का बुरादा। और अगर आप तुरंत बनाना चाहें तो तुरंत भी बना सकते हैं, या फिर इसको फ्रिज में रखकर थोड़ी देर बाद भी मतलब जब टाइम मिले उसे बना सकते हैं। तो अभी नारियल का लड्डू बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है वो एक कढ़ाई को हमने गर्म किया है और इसमें मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। घी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नारियल में अपना ही जो नेचुरल ऑयल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो चिपकेगा कढ़ाई में नहीं। तो मैंने थोड़ा सा घी फ्लेवर के लिए डाला है। आप ज़्यादा घी डालना चाहते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसको बस दो चार मिनट तक ऐसे भूनेंगे, मतलब पाँच छः मिनट तक लग ही जाता है भूनने में, जब तक ये ड्राई होने जाए, इसका पानी वगैरह जो थोड़ा सा रहता है ना वो सूख जाए, तब तक इसे हम लोग इसी तरह से भूनते रहेंगे। और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम रखेंगे तो नारियल जो है हो सकता है जल जाए और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वाइट रखने के लिए हमें नारियल को इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर भूनना है। अभी देखिए मेरा नारियल जो है लगभग ड्राई हो चुका है। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे दूध। दूध के जगह पे आप जो है तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा पानी में घोलकर, उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे दूध ही डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इस तरह से हम लोग इसे मिक्स करेंगे, पूरा गीला बनाएंगे इसको। तो आप मैं यहाँ पे लगभग आधा कटोरी दूध जो है इसमें डालने वाली हूँ और इसको अच्छे से इसको पकाने वाली हूँ। तो जब ये अच्छे से पक जाएगा, पाँच सात मिनट लगेगा आपको पकाने में, तो इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे और इसमें डालेंगे अभी चीनी। तो मैंने यहाँ पे चीनी जो लिया है ना वो चीनी का पाउडर लिया है। आप चाहे तो गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चीनी डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास पाउडर पड़ा हुआ था तो मैं पाउडर यूज कर रही हूँ, और पाउडर जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे पास जितना नारियल था बुरादा उसका आधा लगभग मैंने चीनी लिया है, वो अंदाज से मैंने लिया है। आप चाहे तो मेज़र करके ले सकते हैं किसी कप से या फिर किसी कटोरी से, और इसको अच्छे से हम लोग फिर चलाएंगे। आप को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कम ही डालती हूँ चीनी। और अगर गुड़ आप डालना चाहें तो गुड़ को भी इसमें डाल सकते हैं। तो गुड़ का किस तरह से बना लड्डू बनता है वो मैं आपको कभी दूसरे वीडियो में बताऊँगी, और ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं।
और ये देखिए चीनी डालने के बाद ये बिल्कुल चीनी जो है अपना पिघलना शुरू हो जाता है और इस तरह से देखिए बिल्कुल मिक्स हो जाता है और हल्का हल्का चपचपा जैसा होने लगेगा। तो इसी तरह से हम लोगों को कंटिन्यू जो है वो इसको भूनते रहना है। और भूनने जब ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हो जाता है तो अभी मैं गैस को इसको ऑफ कर दूँगी। हल्का सा हाथ में जब चिपचिपा होने लगे तो समझिए लड्डू बनने के लिए तैयार है। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था थोड़ी देर, और गैस से इसे निकाल कर उतार दिया है मैंने। और अब इसका लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा हाथ में मैं घी लगा लेती हूँ और उसके बाद इस तरह से लड्डू बनाएंगे। लड्डू थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का हो ना तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से पूरा जितना हो सके उतना आप हाथ में लेकर इसे बना सकते हैं। अगर आपको पूरा परफेक्ट मतलब सेम साइज़ का लड्डू बनाना है तो किसी चीज़ से मेजर करके भी आप ले सकते हैं और वैसे बना सकते हैं। तो उस तरह से क्या होता है ना, सेम साइज़ का लड्डू बनता है और देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। वैसे भी हम लोगों को इतना आदत हो गया है करने का कि हम लोगों का सब जो है लड्डू वो सेम साइज़ का ही बनता है। तो देखिए इस तरह से मेरा लड्डू जो है बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। इसी तरह से सारे लड्डू हम लोग जो है वो बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए अभी जो है बिल्कुल ज़्यादा दबाना नहीं है, थोड़े थोड़े इस तरह से लेके हम लोग लड्डू जो है आराम से बना लेंगे। तो देखिए मेरा लास्ट लड्डू था वो भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। और अभी कढ़ाई को साइड करते हैं और कढ़ाई में जो बचा हुआ है उसको भी आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स लड्डू तो मेरा बन गया है और अभी मैं इसकी प्लेटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से हम इसे प्लेट में सजा लेते हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये मार्केट से भी अच्छा लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। और आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर उस टाइम बनाते समय इसमें भूनते समय डाल सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पिस्ता, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। आप यहाँ पे इस तरह से लड्डू को भी खा सकते हैं। और ये बिल्कुल ताज़ा लड्डू, फ्रेश लड्डू आपका बनकर तैयार हो गया। तो इस रक्षाबंधन पे अगर आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस नारियल के लड्डू को ट्राई कर सकते हैं। और काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी बन जाता है। अगर आप रेडीमेड बनाना चाहते हैं तो आप नारियल का बुरादा लाकर जो है मार्केट में मिलता है उसका भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स लड्डू कैसा बना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इस लड्डू को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लड्डू कैसा बना है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।